एक निराली सी कशिश है, एक निराली सी कशिश है तेरे दीदार में। ऐसे ही नहीं करोड़ों सिर झुकते तेरे दरबार में, ऐसे ही नहीं करोड़ों सिर झुकते तेरे दरबार में। नमस्कार, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक देव जी के मुखारविंद से उच्चारण की हुई पावन बाणी जपजी साहिब, जिसकी विचार व्याख्या करने का एक छोटा सा प्रयास जारी है। आज गुरु पातशाह की इस पावन बाणी की 34वीं पौड़ी की विचार करने का, व्याख्या करने का एक वही छोटा सा प्रयास रहेगा, जो कि संपूर्ण श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का ये सार है, ये पावन बाणी। और इस पावन बाणी की ही विशद व्याख्या संपूर्ण श्री गुरु ग्रंथ साहिब में समाहित है, ऐसा विद्वानों का मत है। और सच्चे अर्थों में जब कोई जपजी साहिब जी की पावन बाणी को पढ़ सुनकर इसके मुताबिक, इसके अनुसार जीवन बना लेता है, उसको जीवन का असल मकसद जो है वो समझ आ जाता है। 34वीं पौड़ी से लेके 37वीं पौड़ी तक 5 खंडों का वर्णन है, और ये जीवन के किस अवस्था की ओर संकेत करते हैं, इस पर भी आज विचार करेंगे। 34वीं पौड़ी में गुरु नानक पातशाह का पावन फरमान है, राति रुत थिति वार, पवन पाणी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी तरमसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिन के नाम अनेक अनंत, कर्मी कर्मी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोहन पंच परवान, नदरी करम पवे निशान, कच्छ पकाई ओथे पाई, नानक गया जापे जाए, कच्छ पकाई ओथे पाई, नानक गया जापे जाए। 34 से 37वीं पौड़ियों में मनुष्य की आत्मिक अवस्था के 5 खंड बताए हैं। ये खंड हैं धर्म खंड, ज्ञान खंड, श्रम खंड, कर्म खंड और सच खंड। प्रोफेसर साहिब सिंह जी, जिन्होंने संपूर्ण श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बहुत सुंदर और बहुत ही मेहनत से, बहुत ही भावना से, एक साधना है उनकी, जिन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब की संपूर्ण विचार व्याख्या की है, तो प्रोफेसर साहिब सिंह जी ने इन 5 खंडों पर भी बहुत सुंदर विचार प्रस्तुत किए हैं। उनके चिंतनानुसार किस प्रकार उस ईश्वर की रहमत से मनुष्य साधारण अवस्था से ऊंचा उठ के ईश्वर में एक रूप हो जाता है। पहले मनुष्य दुनिया के विषय विकारों से विमुख होकर आत्मा की ओर अग्रसर होता है। वह सोचता है, मेरे जीवन का प्रयोजन क्या है, संसार में मेरे आने का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, और मेरा असल दायित्व, हमारा कर्तव्य क्या है। जब इस तरह की एक जिज्ञासा, एक इस तरह की भावना हृदय में जब प्रबल होने लगती है, तो उस सही दिशा पर चलता हुआ व्यक्ति जहां इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढता है और फिर उसके मुताबिक चलकर अपने जीवन में बसर करता है, विचरण करता है, उसे एक ना एक दिन वो जीवन की जो वास्तविक मंजिल है वो प्राप्त हो ही जाती, हासिल हो ही जाती है। 34वीं पौड़ी में गुरुदेव फरमान करते हैं कि उस परमात्मा ने रातें, ऋतुएं, तिथियां, दिन, हवा, पानी, अग्नि, पताल आदि बनाकर इन सब के मध्य धरती को धर्म रूपी धर्मशाला बना दिया, धर्मशाला बनाकर धरती को स्थापित किया। क्योंकि किसी भी तरह का कर्म करने के लिए, अर्थात बीज बोने के लिए, धरती निहायत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना कर्म रूपी बीज नहीं बोया जा सकता। गुरबाणी में अन्यत्र भी इस जीवन की महत्ता को दर्शाया गया है, यथा अवर जोन तेरी पनिहारी, इस धरती में तेरी सिकदारी, और सारी जोनियां जो हैं वो तेरी एक तरह से सेविकाएं हैं, और इस धरती पर तेरी बादशाही है, यानी सर्वोत्तम जो योनि है वो मनुष्य योनि है। अतः किसी भी तरह का धर्म, कर्म, जप, तप, यज्ञ आदि कमाने हेतु
धर्म स्थान धरती को ही बनाया गया है। यह धरती कर्म भूमि है क्योंकि यहीं पर किए प्रत्येक कर्म का फल जो है वो जीव को मिलता है। इस धरती पर अनेक तरह के जीव हैं, इनकी गिनती अनंत और इनके नाम भी अनंत हैं। प्रत्येक जीव के किए गए कर्मों के अनुसार विचार होता है। वह परमात्मा स्वयं ही सत्य स्वरूप है तथा उसका दरबार भी सच्चा है। अब यहाँ के फैसले और उस मालिक के दरबार के फैसले, उनमें बहुत बड़ा भेद है। तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, यानी सारे कर्मों के लिए ये धरती को स्थापित किया गया है, धर्मशाला बनाया गया है। तिस विच जी जुगत के रंग, अनेक तरह के लोग, तिनके नाम अनेक अनंत, उनके नाम भी अनंत। कर्मी कर्मी हुए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। वह परमात्मा स्वयं ही सत्य स्वरूप है तथा उसका दरबार भी सच्चा है, जहां बैठकर वह प्रत्येक जीव के कर्मों का लेखा जोखा करता है, अतः उसका न्याय भी सच्चा है। उस दरबार में परवान हुए संत जन शोभा पाते हैं। बख्शिश करने वाले परमात्मा द्वारा उसकी दरगाह का सच्चा निशान पड़ता है। प्रत्येक जीव की सत्यता असत्यता, सच और झूठ का निर्णय उस मालिक के दरबार में होता है। सच्चा आप सच्चा दरबार, उस मालिक जो स्वयं सत्य स्वरूप है, जिसे गुरु नानक पातशाह ने एक ओंकार सत नाम कह के स्पष्ट किया है। वही सच्ची परख होती है, वहीं पर उस मालिक के दरगाह में सच्ची परख होती है। उसके दरगाह में पहुंचकर ही पता चलता है कि किसकी करनी यानी कर्म श्रेष्ठ थे या निकृष्ट थे, क्योंकि यहाँ सभी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ साबित करने का प्रयत्न करते रहते हैं, परंतु कोई भी उस परमात्मा को तो धोखा नहीं दे सकता। यहाँ लोगों को धोखा दिया जा सकता है, लेकिन उस मालिक के समक्ष किसी तरह की कोई चालाकी, किसी तरह का कोई प्रयोजन, झूठ आडंबर कुछ भी नहीं चल सकता। अब यहाँ कच्च पकाई उथे पाई नानक गया जापे जाए, यानी झूठ और सच का जो निर्णय होना है वहां होना है। एक विचारणीय तथ्य और भी है कि संसार में विचरण करते हुए हम देखते हैं कि संसार में किए गए किसी भी गलत कर्म के लिए जो पेशी होती है, वहां न्याय करने वाले न्यायाधीश के सम्मुख झूठे गवाह पेश किए जाते हैं, या न्याय करने वाला खुद भी रिश्वत ले सकता है, गलत निर्णय दे सकता है। लेकिन उसके विपरीत उस मालिक की दरगाह में कोई कदाचित ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वहां तो न्याय करने वाला आप सच्चा है तथा घट घट की जानने वाला है। उससे कोई पर्दा नहीं है, उससे कोई छिपाया नहीं जा सकता। इसलिए उसकी कचहरी में ना तो झूठे मुकदमे पेश हो सकते हैं, ना ही कोई रिश्वतखोर झूठी गवाही दे सकता है। वहां सच्चा पातशाह वाहिगुरु आप न्याय करता है जीव के प्रत्येक कर्म के अनुसार, अतः वहां गलत फैसला कैसे हो सकता है। वहां सच्चे दरबार में सच्चा न्याय होता है। धर्मी जीव को सर्वप्रथम ये समझ आती है क्या है मेरे जीवन का मकसद, इस धरती पे आने का मेरा मकसद क्या है। धर्मी व्यक्ति को ये बात पूर्णतः समझ आ जाती है कि मेरे इस जगत में आने का क्या उद्देश्य है और इस अमूल्य एवं दुर्लभ जीवन को सार्थक कैसे किया जा सकता है। वो बाखूबी समझ जाता है और वो बाखूबी उसे सार्थक करने में जुट जाता है। वही उस मालिक के दरगाह पर शोभा पाते हैं। ऐसे धर्मी मनुष्य ही उस मालिक के दरगाह पे शोभा पाते हैं। इस संसार में छोटा या बड़ा कहलवाना कोई मायने नहीं रखता। इस अवस्था में जीव सोचता है कि इस धरती पर जीव कर्म कमाने आया है। परमात्मा के दर पर प्रत्येक जीव के कर्मों का लेखा जोखा होता है। इस संसार में मिले मान अपमान का कोई प्रयोजन वहां नहीं रह जाता। वस्तुतः वही मान सम्मान पाते हैं जो वाहिगुरु के दर पर यानी उस मालिक के दर पर परवान हो जाते हैं। जैसे जैसे मनुष्य की सुरत है, ऐसे पवित्र ख्यालों से जुड़ती है, क्योंकि विचार ही जो है ना वो हमारा संसार रचते हैं। जिस तरह के हम विचार रखते हैं
उसी तरह के कर्म में हम प्रवृत्त होना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे मनुष्य की सुरत ऐसे पवित्र ख्यालों से जुड़ती है, वैसे वैसे स्वार्थ की गांठें खुलती हैं। वह मोह और माया से ऊपर उठकर अपना धर्म पहचानने लगता है। इस अवस्था में पहुंचकर कोई विद्या और बल को विचारता है तथा अकाल पुरुष की बेअंत कुदरत का नक्शा उसके समक्ष घूम जाता है। तब ज्ञान की आंधी आती है, जिसमें समस्त भ्रम वहम जो है वो उड़ जाते हैं, रफू चक्कर हो जाते हैं। जैसे जैसे अंदर ज्ञान द्वारा समझ बढ़ती है, वैसे वैसे आनंद बनता है। जो माया का मोतियाबिंद आंखों पर उतरा हुआ था, वह ज्ञान रूपी ऑपरेशन से हट जाता है और पर्दा हटते ही सब कुछ स्पष्ट नजर आने लग जाता है। यही बस नहीं, वाणी के विचार उसे उद्यम बल तथा प्रेरणा बख्शती है। केवल निज अकल से समझ लेना ही काफी नहीं है। मन का पहला स्वभाव कोरे स्वभाव में से नहीं बदल जाता, पूर्व के बुरे संस्कारों को मिटाकर वही निर्मल संस्कार जमाने हैं। अमृत वेला संभालने की मेहनत, मन को सिफ्त सला उस ईश्वर के गुणगान में जमाना आदि कड़ी मेहनत के फल स्वरूप ज्ञान खंड में पहुंचा हुआ मनुष्य जैसे जैसे गुरमत वाली नई घालना अर्थात कठिन कमाई करता है, वैसे वैसे मानो उसके मन को सुंदर रंग चढ़ता है। यहाँ की धन दौलत से बड़ी बड़ी गाड़ियां ली जा सकती हैं, आलीशान कोठियां बंगले बनाए जा सकते हैं, लेकिन नाम की कमाई से मन की घाड़त होती है, मन सुंदर होता है। वैसे वैसे मानो उसके मन को सुंदर रंग चढ़ता है, काया कंचन हो जाती है, सुरत ऊंची उठ जाती है तथा सुमति आ जाती है, विवेक बुद्धि आ जाती है। मनुष्य को देवताओं एवं सिद्धों जैसी सूझ प्राप्त हो जाती है। जैसा कि गुरबाणी का फरमान है, बलिहारी गुर आपने द्योहारी सदवार, जिन मानस ते देवते किए करत न लागी बार। कहते मैं ऐसे गुरु पर बलिहार जाता हूँ, कुर्बान जाता हूँ और एक एक दिन में सैकड़ों बार जाता हूँ। जिन मानस ते देवते किए करत न लागी बार, जिसने मनुष्य से देवता बना दिया और देवता बनाने में उसे देर नहीं लगी, सोच बदली, कर्म बदले और फिर जीवन का मकसद समझ आया और उस ओर प्रवृत्त होकर ये जीवन सफल हो गया। ईश्वर की रहमत बरसती है, आत्मिक बल की प्राप्ति होती है, उसके फलस्वरूप आत्मा विकारों में नहीं डोलती, भटकती नहीं है, भटकना खत्म हो जाती है। मन सदैव के लिए ईश्वर की पावन यादों में रम जाता है। जैसे हम दुनियावी कामों में और झूठे रंग तमाशों में रमे हुए हैं ना, तब क्या होता है, आत्मक बल की प्राप्ति होती है, जिसके फलस्वरूप आत्मा विकारों में नहीं डोलती, नहीं भटकती, मन सदैव के लिए ईश्वर की पावन यादों में रम जाता है। वह रहमतों का सागर रोम रोम में इस कदर बस जाता है कि फिर ऐसी अवस्था में पहुंचे जीव को आवागमन का भी भय नहीं रहता। 84 लाख योनियां मानी गई हैं और उसमें भटकने का जो है भय वो भी खत्म हो जाता है, उसका रोम रोम पुलकित हो उठता है, आनंदित हो उठता है। इसी कर्म खंड में उस ईश्वर की रहमत का पात्र बनकर 5वें खंड अर्थात सच खंड में निवास करता है, अर्थात उसी परम ज्योति में विलीन हो जाता है, जिसे जीते जी मुक्ता अवस्था कहते हैं, जिसे जीते जी मुक्ता अवस्था कहते हैं। कर्मी कर्मी हुए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। जब हमें समझ आ जाती है कि हमारे कर्मों का लेखा जोखा हमारे ही सिर पर है, तो हम कर्म के प्रति इतने सुचेत हो जाते हैं, फिर ना मोह का बंधन हमें कभी ढुला सकता है, ना माया के बंधनों में हम खचित होते हैं। ऐसी कृपा दृष्टि होती है, ऐसी बख्शिश होती है उस निराकार की, उस परमात्मा की, उस दयालु परवरदिगार की, कि जीवन में व्यक्ति हर समय उस परिपूर्ण परमात्मा को अपने हाजिर नाजिर जानता है, और जिसको परमात्मा हाजिर नाजिर दिखाई दे वो पाप कर्म से स्वतः ही बच जाएगा। उसके अंदर एक उस परमात्मा का भय अदब सत्कार बना रहेगा, क्योंकि पहले भी अपन ने विचार किया था
दुनिया का भय हमें कायर बना देता है और हम कर्मकांडी हो जाते हैं, लोकाचार के लिए करते हैं हम तब काम। लोग क्या कहेंगे इसकी हमें हर वक्त परवाह रहती है, हर वक्त चिंता रहती है। लेकिन वो परमात्मा जिसने हमारे हर एक कर्म का हिसाब किताब करना है, तब हम ये सब कुछ भूल जाते हैं। ये भूलना ही हमें मोह और माया के दलदल में इस तरह भटका देता है कि हमें ये ज्ञान, ये विवेक बुद्धि नहीं रह जाती कि ये जो कर्म हम कर रहे हैं, जिसके लिए भी कर रहे हैं, उन्होंने ना माया ने साथ जाना है, ना मोहवश जिसके लिए हम ये पाप कर्म कर रहे होते हैं उन्होंने साथ निभाना है। साथ निभाना है तेरे किए कर्मों ने, यहाँ का मान अपमान, नेक काम करेंगे सम्मान स्वतः ही मिलेगा, लेकिन नहीं भी मिले तो उसकी परवाह नहीं करनी है। सतगुरु जागता है देव, मेरा सतगुरु और मेरा परमात्मा हर वक्त मेरी हर करनी को, मेरी हर सोचनी को देख रहा है। और केवल सिर्फ जो कर्म हम हाथ से कर रहे हैं वही कर्म नहीं है, हम क्या सोच रहे हैं, हमारी सोच हमारे विचार ही तो फिर कर्मों में परिवर्तित होते हैं। किसी दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चला दी तो ये मत समझना कि उसका दोष हमें नहीं देखेगा, उस पाप कर्म के हम भागी नहीं होंगे, हम निहायत उसके भागीदार ही होंगे, क्योंकि किसी के कंधे पर, जिसके कंधे पर चलाई गई है उसकी तो कोई मजबूरी हो सकती है, झूठी गवाही देने वाले की कोई मजबूरी हो सकती है, लेकिन जो झूठी गवाही पेश करवा रहा है और उसको लालचवश या किसी भयवश उससे ये कर्म करवा रहा है, तो मत समझना कि उसका दोष सिर्फ उस पर जाएगा, उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है दोष का वो हमारे हिस्से पर है। इसलिए गुरबाणी हमें सुचेत करती है, हमें विवेक बुद्धि से काम लेना है, हमारे हरेक कर्म का लेखा जोखा उस मालिक की दरगाह पे है। चित्रगुप्त कहते हैं ना कि जो हमारे कंधों पर रहते हैं, हर हमारे दिन रात का, हर सेकंड का जो है वो लेखा जोखा जो है लिखा जा रहा है, हमें नहीं पता होता। हम तो हमारे आगे तो मोह और माया का ऐसा पर्दा, ऐसा जाल बिछा हुआ है कि हम भूल जाते हैं कि जो हम कर रहे हैं उसका फल भी हमें भोगना पड़ेगा। तो कितने ही उदाहरण हम इतिहास में देखते हैं, जब फिर ये समझ आ जाती है तो उस ईश्वर की रहमत से ही समझ आती है और उसकी रहमत से ही नेक कर्म करता हुआ बंदा अपने इस जीवन को सफल कर जाता है। क्योंकि 84 लाख योनियों में जो ये मानव जीवन मिला है ये दुर्लभ है, इसे तो देवते भी जो हैं वो चाहते हैं, क्योंकि देवताओं के पास भी भोग भूमि है, क्योंकि उन्होंने इतने नेक श्रेष्ठ कर्म किए और देवत्व को प्राप्त हो गए। इसलिए मनुष्य बने रहना उसके जीवन की जीत है और मनुष्य का दानव हो जाना उसकी हार है, सबसे बड़ी हार है, जिसे ये विवेक बुद्धि ही ना रहे कि मेरे जीवन का मकसद क्या है। और मनुष्य का देवता हो जाना मतलब श्रेष्ठ अपने कर्मों को करके ये महामानव हो जाना, ये उस रब की रहमत है। कम से कम हम इंसान हैं, इंसानों वाले काम तो करें, क्योंकि गुरबाणी में ही हिदायत है, करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात। करतूते हमारी पशुओं वाली, और कई जगह तो आज के वर्तमान संदर्भ में हम देखते हैं तो कुछ करतूते तो हमारी पशुओं से भी गई बीती हो गई हैं। कभी विचार किया करें, और जब ये इस तरह की जिज्ञासु वृत्ति बनेगी दूसरों के दोष ना ढूंढते हुए, कहते हैं ना कि आज के वक्त में कह देता है बंदा हर कदम पर धोखा है, भाई तुम कुछ नेक करो तुम्हें किसने रोका है, माना हर कदम पे धोखा है लेकिन तुम कुछ अच्छा करो तुम्हें किसने रोका है। हर एक व्यक्ति को जब वो अपने गिरेबान में झांकना शुरू कर देगा और अपने कर्म को सुधारना शुरू कर देगा, नेक कर्म करना शुरू कर देगा, तो उसका जो ओरा है वो इतना अच्छा हो जाएगा, वो अपने आस पड़ोस समाज सब पे उसका असर जरूर पड़ेगा। वाहिगुरु सब पे रहमत करे, कृपा करे, हम गुरबाणी आशय अनुसार जीवन मनाएं। इसके लिए अरदास करें, वो वाहिगुरु
कृपा निधान है, रहमतों का सागर है, वो पिछले अवगुण बख्श देता है, बाशर्ते हम अपने अवगुण कबूल तो करें, हम गुनाह कबूल तो करें, तो वो मालिक कृपा करके हमें सदमार्ग पर चला के और हमारा ये मानव जीवन जो है वो सफल कर देगा। इसी आस और विश्वास के साथ अगली पौड़ी की फिर विचार व्याख्या करेंगे। वाहेगुरु, तब तक के लिए सबको अपनी कृपा दृष्टि अपने सब पे बनाए रखे। बस यही अरदास बेनती करते हुए, किसी भी तरह की कोई त्रुटि हो गई हो कहने में, बोलने में, वाणी उच्चारण में, तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।